हाय गाइस, माय नेम इज़ रितेश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन का एक इंट्यूशन लिया, ठीक है। हमने समझने की कोशिश की कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स काम कैसे करते हैं और क्यों काम कर पाते हैं, ठीक है। मैंने एंड में आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड पे। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को थोड़ा और डीप में समझने का ट्राई करेंगे। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन को समझने में जो सबसे ज़्यादा परेशान जो चीज़ करती है वो है उसको ट्रेन करने का एल्गोरिदम, जिसको बैक प्रपोगेशन कहा जाता है, ठीक है। सो ये सभी को पता है जिन्होंने भी डीप लर्निंग में थोड़ा भी काम किया है कि बैक प्रपोगेशन को समझने में बहुत परेशानी होती है। मुझे भी हुई थी और मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिगिनर्स एक गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि जब आप एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हो तो उस न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे वेट्स और बहुत सारे बायसेस आ जाते हैं। तो उन वेट्स और बायसेस को अगर हम सही से डिनोट करना नहीं सीखेंगे, उनका नोटेशन नहीं सीखेंगे, तो बैक प्रोपगेशन करते टाइम कन्फ्यूजन बहुत होने लगता है। सो मैंने ये गलती की थी और मैं चाहता हूँ ये गलती आपसे ना हो, इसीलिए आज के वीडियो में हमारा पूरा गोल वुड बी एक्चुअली टू थिंग्स। फर्स्ट, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को देख के सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर पाओ कि उसमें नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं। नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स का मतलब है कि जब आप उस एल्गोरिथम उस मॉडल को ट्रेन करोगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेट्स एंड बायसेस कितने हैं जिनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहली चीज़ हम लोग आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर आपको कोई न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर दिया जा रहा है तो आप झट से कैलकुलेट कर लो कि भाई इसमें इतने वेट्स हैं और इतने बायसेस हैं, ठीक है। सेकेंड जो चीज़ हम सीखेंगे वो है कि आप कैसे उन वेट्स और बायसेस को डिनोट करते हो, उनका नाम क्या रखते हो, हमें उनका नोटेशन सीखना है। और हम एक स्टैंडर्ड नोटेशन सीखेंगे जो इंडस्ट्री में फॉलो होता है। तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब आप बैक प्रपोगेशन जैसा डिफिकल्ट एल्गोरिदम पढ़ रहे होगे तो आपको कभी भी किसी वेट को देख करके कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई ये कौन से लेयर का वेट है, ठीक है। तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो। छोटा सा ही वीडियो है बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट स्किप दिस वन। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज़ द न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। इसी आर्किटेक्चर को यूज़ करके मैं आपको पूरा नोटेशन समझाऊंगा, ठीक है। सो देर आर फोर लेयर्स इन टोटल, इन फैक्ट हाँ फोर लेयर्स आर देयर। सो देर इज़ एन इनपुट लेयर जिसको आप लेयर ज़ीरो बोल रहे हो, हिडन लेयर वन, लेयर वन हो गया, हिडन लेयर टू हो गया, और आउटपुट लेयर हमारा लेयर थ्री हो गया, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो फोर डायमेंशनल डेटा है, ठीक है। यू कैन सी जहाँ पे m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज और n का वैल्यू फोर है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास डेटा है वो ऐसा दिखाई देगा, देर वुड बी कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, और फाइनली आपका आउटपुट कॉलम होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रो बाय रो डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो एक्स आई वन है आईएथ रो का फर्स्ट कॉलम का वैल्यू, ये है आईएथ कॉलम का ये वैल्यू, ये आईएथ रो का ये वैल्यू, और ये है आईएथ रो का ये वैल्यू, और ये है आईएथ रो का ये वैल्यू, ठीक है। तो जब मैं एक रो प्रोवाइड करूँगा तो मैं एक एक करके ये वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करूँगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि आपके पास कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। ये सबसे पहला सवाल होता है कि आपके पास कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं। ट्रेनेबल पैरामीटर्स का मतलब है कि जब इसकी ट्रेनिंग होगी, जब आप इसके ऊपर ट्रेनिंग करोगे तो जो आपका बैक प्रपोगेशन एल्गोरिदम है वो कितने वेट्स और बायसेस का वैल्यू फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर देख करके, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप फोकस करो तो लेट्स काउंट यहाँ पे कितने वेट्स और बायसेस हैं। सो क्लियरली यहाँ पे अगर आप कॉम्बिनेशन देखो, यहाँ पे थ्री नोड्स हैं, यहाँ पे फोर नोड्स हैं, यहाँ पे थ्री नोड्स हैं, तो फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री यहाँ पे हुए 12 वेट्स। यू कैन सी इन सारे वेट्स को अगर आप काउंट करो तो देर आर 12 वेट्स। ऑल्सो एक चीज़ और, अगर आप ये कलर एनकोडिंग देखो तो मैंने इस तरीके से ये वेट्स क्रिएट किए हैं कि एक पर्टिकुलर नोड को जितने भी आपको वेट्स मिल रहे हैं
प्रीवियस लेयर से, वो सब एक कलर में इनकोडेड है। जैसे इसको आने वाले सारे वेट्स ब्लैक कलर में है, इसको आने वाले सारे वेट्स रेड कलर में है, इसको आने वाले सारे वेट्स ग्रीन कलर में, ठीक है। और आगे भी मैंने सेम कलर एनकोडिंग यूज़ किया है सो दैट आपको ईजिली समझ में आए। या सो कमिंग बैक, हमें ये काउंट करना है कि टोटल कितने वेट्स और बायसेस हैं इस न्यूरल नेटवर्क में। तो इस जगह पे देर आर 12 वेट्स, और इसका बायस, इसका बायस और इसका बायस, तो हमारे पास हो गए 3 बायसेस। अब अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो टोटल वेट्स हो जाएंगे अपने पास 6 वेट्स, और फिर इसका बायस और इसका बायस, तो 2 बायस, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे पास हो जाएंगे 2 वेट्स, काउंट करके भी समझ में आ रहा है, और फिर इसका बायस। सो यहाँ पे टोटल है 15, यहाँ पे टोटल है 8, और यहाँ पे टोटल है 3, ठीक है। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 15 + 8, 23 + 3, देर आर 26 ट्रेनेबल पैरामीटर्स। इसका मतलब जब आप इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करोगे तो आपका जो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम है वो 26 वेट्स एंड बायसेस का वैल्यू फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा। ये आपको हमेशा न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को देख के समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में आप वेट्स और बायसेस को किस तरीके से डिनोट करते हो, व्हाट इज द नोटेशन, ये हम अब सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली मैं आपको 3 चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि वेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, बायसेस को कैसे करते हैं, और आउटपुट्स को कैसे करते हैं। मतलब इस नोड से जो आउटपुट निकल रहा है वो अगले वाले नोड के लिए इनपुट है, तो वो भी पता होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आउटपुट का भी नोटेशन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ बायसेस बिकॉज वो सबसे ईजी हैं। सो बायस को डोनेट करने का आपका नोटेशन होता है BIJ, जहाँ पे I रिप्रेजेंट कर रहा है लेयर नंबर और J रिप्रेजेंट कर रहा है उस लेयर में नोड का कौन सा नंबर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस नोड की बात करो तो इसका बायस हो जाएगा 1 1, क्योंकि ये लेयर नंबर 1 में है और लेयर नंबर 1 का पहला नोड है, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 2, बिकॉज ये फर्स्ट लेयर में सेकेंड नोड है। ये हो जाएगा 1 3, बिकॉज ये फर्स्ट लेयर में थर्ड नोड है। अगर आप इसकी बात करो तो ये हो जाएगा 2 1, बिकॉज ये सेकेंड लेयर में फर्स्ट नोड है। ये हो जाएगा 2 2, बिकॉज ये सेकेंड लेयर में सेकेंड नोड है। और ये हो जाएगा 3 1, बिकॉज ये थर्ड लेयर में फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डिनोट बायसेस। अब सवाल आता है कि आउटपुट कैसे आप डिनोट करोगे। आउटपुट डिनोट करना भी बहुत सिंपल है। अगेन आप OIJ यूज़ करते हो, जो कि बिल्कुल वही है, I मतलब लेयर और J मतलब कौन से नंबर का नोड है। सो बेसिकली सोचना नहीं है ज़्यादा, किसी भी नोड का आउटपुट बिल्कुल वही नोटेशन फॉलो करता है जो उसका बायस करता है, ठीक है। सो मतलब मान लो अगर आप इस नोड की बात कर रहे हो तो इससे 2 आउटपुट निकल रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का आउटपुट हो जाएगा O11, ठीक है। इस नोड से 2 आउटपुट निकल रहे हैं, इन दोनों का आउटपुट हो जाएगा O12, और इससे भी 2 निकल रहे हैं O13, इससे 1 निकल रहा है O21, इससे 1 निकल रहा है O22, इससे 1 निकल रहा है O31, और ये O31 ही एक्चुअली आपका प्रिडिक्शन है बाय द वे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डिनोट आउटपुट। अब लास्ट और सबसे ट्रिकी चीज, वेट्स को कैसे डिनोट करना है। वेट्स को डिनोट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए आपको, I, J और K, ठीक है। तो यहाँ पे के का क्या मतलब है कि आपका जो वेट है वो कौन से लेयर में घुस रहा है, ठीक है, याद रखना। आई का मतलब है करंट लेयर में कौन से नंबर वाले नोड से निकल रहा है, और जे का मतलब है जिस लेयर में घुस रहा है उस लेयर में कौन से नंबर वाले नोड पे घुस रहा है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मुझे इसका पता करना है, तो इसका वेट हो जाएगा, सबसे पहले ये कौन से लेयर में घुस रहा है, लेयर नंबर 1 में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब नीचे आई में क्या आएगा, ये आई में क्या आएगा कि पिछले वाले लेयर में कौन से वाले नोड से निकल रहा है, 1 से निकल रहा है, और अगले वाले में कौन से नंबर वाले नोड में घुस रहा है, 1 ही में जा रहा है, तो इसका वेट हो जाएगा W111।
इस वाले की बात करते हैं, ठीक है। तो अगेन यहां पे आ जाएगा वन बिकॉज ये फर्स्ट लेयर में घुस रहा है, यहां पे आ जाएगा फोर बिकॉज ये फोर्थ नोड से निकल रहा है, और यहां पे आ जाएगा टू बिकॉज ये सेकेंड नोड में घुस रहा है, ठीक है। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, ये वाले को अगर आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वन क्योंकि फर्स्ट वाले में घुस रहा है, वन क्योंकि ये फर्स्ट वाले से आ रहा है, थ्री क्योंकि ये थर्ड वाले में घुस रहा है, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, वेट, अब ये सेकेंड लेयर में घुस रहा है तो यहाँ पे टू आ जाएगा, और अपने लेयर के सेकेंड वाले से निकल रहा है और सेकेंड वाले में जा रहा है, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, इस वाले की, तो ये भी आपका सेकेंड लेयर में घुस रहा है, सेकेंड वाले से निकल रहा है और फर्स्ट वाले में जा रहा है, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, ये थर्ड लेयर में घुस रहा है, फर्स्ट वाले से निकल रहा है और फर्स्ट वाले में घुस रहा है, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं, मैं आपको तीन चार एग्जांपल्स दे देता हूँ। फर्स्ट वाले लेयर में घुस रहा है, सेकेंड वाले से निकल रहा है, फर्स्ट वाले में जा रहा है, ठीक है। इस वाले की बात कर लेते हैं, दिस वन सेकेंड वाले में जा रहा है, सेकेंड वाले से निकल रहा है, फर्स्ट वाले में घुस रहा है, एंड दैट इज़ हाउ यू डिनोट वेट्स, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाओ और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क बनाओ, समथिंग लाइक दिस, जिसमें और ज़्यादा हिडन लेयर्स हों, और कॉपी पेन उठाओ और उसका वेट्स लिखने का ट्राई करो, दैट वुड बी द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी जब भी कन्फ्यूजन हो वीडियो पे वापस आकर के देखो, एक बार अगर आप ये सीख गए, ट्रस्ट मी जब आप आगे पढ़ोगे कि ट्रेन कैसे किया जाता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम के थ्रू, तो आपको एटलीस्ट नोटेशन समझने में परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की गलती यही हो जाती है कि वो नोटेशन ही नहीं समझते हैं और फिर एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम पढ़ने घुस जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। सो आई होप आपका ये पूरा वाला पार्ट क्लियर हो गया। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आपको समझ में आई चीज़ें, और मुझे पर्सनली ये वीडियो क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आया क्योंकि चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, एग्जाम्पल्स रन करने थे और कंक्लूजन्स आपको बताने थे। आई होप आपके दिमाग पे एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा परसेप्ट्रॉन के बारे में और जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का नोटेशन, किस तरीके से आप वेट्स और बायसेस को आप नेम करते हो, और उसके बाद फिर हम लोग कैसे ट्रेन किया जाता है हमारे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन को, उसके ऊपर काम करेंगे, और वहीं पर हम अपना बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और डीप लर्निंग का बैकबोन है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जाने के पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया, ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्रेस दैट रेड बटन टू सब्सक्राइब द चैनल, इट रियली मोटिवेट्स मी, ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय।